भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी की सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता होती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छिड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी आपकी अपने स्वभाव में जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु की ये शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हो, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति के विचार मिले हैं जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोलो, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितना ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की गतिविधियां हो, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन की समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।